भारत देश की हृदय स्थली मध्य प्रदेश में सतपुड़ा अंचल की सुरम्य वादियों में बसा दिनांक 1 नवंबर 1956 को बनाया गया शहर छिंदवाड़ा अपने चारों ओर अथाह वन संपदा एवं जैव विविधता से घिरा हुआ है। छिंदवाड़ा शहर का नाम छीन के वृक्ष के नाम पर पड़ा है, जिसके एक ओर आदिवासी बाहुल्य पातालकोट का विश्व प्रसिद्ध इतिहास तो दूसरी ओर सफेद सोना रूपी कपास और मीठे संतरे से संतरांचल का अनुभव अपने आप में समेटे हुए है। खरीफ में मक्का फसल की सर्वाधिक उत्पादकता होने की वजह से भारत देश की प्रथम कॉर्न सिटी का गौरव भी छिंदवाड़ा जिले को प्राप्त है। छिंदवाड़ा जिले में वर्ष 1984 में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की एक इकाई के रूप में मध्य प्रदेश के प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित यह संस्था कृषकों के हित में कार्य करने हेतु सदैव तत्पर रहती है। यह केंद्र इन उद्देश्यों की पूर्ति करता है। कृषि विज्ञान केंद्र का प्रशासनिक भवन, जिसके अंतर्गत कृषक सभागार, प्रशिक्षण कक्ष, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब का समावेश है। केंद्र पर कृषकों के प्रशिक्षण हेतु विभिन्न इकाइयों जैसे कड़कनाथ कुक्कुट पालन इकाई, फसल प्रदर्शनी, अनार प्रदर्शन इकाई, किचन गार्डन इकाई, वर्मी कंपोस्ट इकाई, लो टनल इकाई, अजोला उत्पादन इकाई, हाइड्रोपोनिक चारा इकाई आदि की स्थापना की गई है। कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा के प्रमुख प्रदेश के परिपालन में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा किए जा रहे नवाचार तकनीकों को कृषकों के बीच लाकर कृषकों की आय दोगुनी करना एवं कृषि क्षेत्र में महिलाओं व ग्रामीण युवा की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से प्राप्त आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत राज्य की प्रथम मोती पालन परियोजना का शुभारंभ किया गया है, जिस हेतु केंद्र में 80x50x12 फीट का प्राकृतिक तालाब का निर्माण कर ताजे पानी में मोती पालन प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत राजस्थान से सीपों को मंगवाकर प्रथमतः उन्हें केंद्र में बने टांकों में 10 से 15 दिन के लिए प्राकृतिक भोजन के सहारे रखा गया। टांके में ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखने के लिए लेटरल लाइन के सहारे पानी की बौछारें प्रवाहित की गईं, जिससे वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन पानी में मिलकर सीपों को जीवन दे सके। प्रति 2 दिवस के अंतराल में टांकों के पानी को बदलकर सीपों को साफ कर पुनः भोजन दिया जाता है। सीपों में बीज डालने हेतु एक छोटी सी शल्य क्रिया की जाती है। इस शल्य क्रिया के माध्यम से डिजाइनदार बीजों को सीपों के दोनों भागों में शल्य उपकरणों के माध्यम से डाला जाता है। चूंकि यह मध्य प्रदेश में मोती पालन की पहली परियोजना है, इसलिए जिज्ञासावश कृषि संकाय के विद्यार्थियों द्वारा भी शल्य क्रिया के दौरान इस परियोजना का भ्रमण कर इसके तकनीकी बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिले के विभिन्न विकास खंडों से भी कृषक निरंतर परियोजना में रुचि ले रहे हैं, साथ ही समय समय पर भ्रमण कर तकनीकी बिंदुओं की जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। शल्य क्रिया करने के पश्चात सीपों को जो शल्य क्रिया के दौरान घाव दिए गए हैं, उन्हें ठीक करने के लिए 1 से 2 दिन तक एंटीबायोटिक के घोल में डुबाकर रखा जाता है, ताकि सीपें आगे का जीवन सुरक्षित रह सकें और उच्च गुणवत्ता का मोती बना सकें। सीपों को 2 दिन बाद एंटीबायोटिक के घोल से निकालकर नेटिंग की जाती है। नेटिंग की प्रक्रिया में प्रति सीप को नेट में एक एक इकाई कर नायलॉन सूती से बांधा जाता है,
जिससे प्रत्येक सीप अपने आप को सुरक्षित एवं साधा हुआ महसूस कर सके। 10 सीपों की एक लड़ी बनाई जाती है। नेटिंग की प्रक्रिया के पश्चात सीपों को मुख्य प्राकृतिक तालाब में डालने की प्रक्रिया की जाती है, जिसके तहत प्रत्येक सीपों की लड़ी को मोटी रस्सी के सहारे बांधकर मुख्य तालाब में उतार दिया जाता है। एक रस्सी को तालाब के दोनों छोर पर खंभों के सहारे बांधा जाता है। प्रत्येक रस्सी में 15 से 20 लड़ियों को बांधकर तालाब के आकार के अनुसार खाली प्लास्टिक के केन को बांधा जाता है, ताकि मुख्य रस्सी पानी में ना डूबे और सीपों की लड़ियां तालाब की तलहटी से ऊपर उठी रहें। सीपों से मोती बनने की प्रक्रिया में कुल 15 से 18 महीने का समय लगता है। यह समय जिले की मौसमी अनुकूलता पर निर्भर करता है। साथ ही हर 10 से 15 दिवस के अंतराल में सीपों को समुद्री प्राकृतिक भोजन चारे के रूप में गोबर के घोल के साथ मिलाकर दिया जाता है। समय समय के अंतराल पर सीपों की रस्सी को बाहर निकालकर सीपों का निरीक्षण करना आवश्यक है, ताकि सीपों के जीवन हेतु भोजन व अन्य मानकों जैसे तालाब के पानी की पीएच, अमोनिया, घुलनशील ऑक्सीजन आदि का स्तर भी मापा जा सके। तालाब की सुरक्षा हेतु चारों ओर फेंसिंग भी लगाई गई है। इस तरह 15 से 18 महीने की अवधि में केंद्र द्वारा डिजाइनर मोती प्राप्त किए जाएंगे, जिनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक मांग व दाम है।